हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वेता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, जो कि भंडारे में भी मिलता है या फिर पूरी के साथ मिलता है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। आप एक बार ऐसे बनाइएगा तो सबको पसंद आएगा, और जब भी पूरी बनाए तो उसके साथ ये वाली सब्जी बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें ज़्यादा तेल मसालों की भी ज़रूरत नहीं होती है, हेल्दी भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। तो ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में ही इसे बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। फ्लेम को लो कर लीजिए। अब इसमें हम हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद कद्दू को हमने ऐसे काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है, रफली ऐसे ही चॉप कर लिया है। अब इसको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साथ में। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा कम, आप जितना सब्जी डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डालिए। अब काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून और कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और आमचूर पाउडर डालेंगे। इसको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने 1/2 केजी कद्दू लिया था, इसमें बस इतना 2 छोटा टुकड़ा लिया है गुड़ का। तो आप जितना सब्जी लीजिए आप उसके अकॉर्डिंग डालिए। अब नमक डाल लेंगे। नमक ध्यान से डालिए क्योंकि इसमें हमने काला नमक भी डाला है। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। इसमें आप पानी नहीं डालें, ये बिना पानी के ही बनता है क्योंकि गुड़ भी मेल्ट होता है और फिर कद्दू से भी पानी निकलता है, तो उस पानी से ही ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए, नहीं तो इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही ढक के और बीच में स्टर करते रहिए, चेक करते रहिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर ये कुक हो जाएगा। फिर से ढक देंगे जब तक कि पकता नहीं है ये। बीच बीच में चेक करते रहिए। अगर आप जो कद्दू ले रहे हैं उसका स्किन बहुत पतला है तो आप उसके स्किन के साथ ही, उसको छिलके के साथ ही आप काट सकते हैं। अगर बहुत मोटा है तो फिर छिलका निकाल लीजिए। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे। हमने मसालों के साथ आमचूर पाउडर भी डाला था, तो आप आमचूर पाउडर भी ज़रूर डालिए। इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है उससे, खट्टा मीठा, मतलब गुड़ से मीठा होगा और फिर आमचूर पाउडर से थोड़ा सा खटास भी आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। बस ये हो गया है, ज़्यादा मैश नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है इसको। अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये सब्जी बनकर रेडी हो गया। जितना जल्दी ये बन गया उतना ही टेस्टी होता है ये खाने में भी। आप पूरी या पराठा के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है, खट्टा मीठा होता है, तो इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, ये कलर भी कितना अच्छा आया इसका। आप गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।